ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक साथ कई घरों को जमींदोज कर दिया। मामले में खास बात यह है कि इस कार्रवाई के बीच उन लोगों के घरों को भी जमींदोज कर दिया गया जिन घरों में महज कुछ दिनों में शहनाइयां बजनी थीं। यानी ये कह सकते हैं कि लोग अपनी बेटियों की शादियां करने वाले थे, लेकिन उनका आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। अब उन्हें इसी बात का टेंशन है कि आखिर वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। नवागढ़ में एडीएम ऑफिस के सामने काफी दिनों से कुछ घरों का अतिक्रमण था, उसको हटाने हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। कितने लोग लगाए गए हैं यहाँ? जिले से विभिन्न थानों से स्टाफ लगाया गया था, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई। दिलीप साहू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप बताइए, क्या कार्रवाई की गई है और कितने मकानों को तोड़ा गया है वहाँ से? पूरा मामला बेमेतर जिला का नवागढ़ नगर पंचायत का मामला है, जहाँ एसडीएम कार्यालय के भवन के सामने कई अतिक्रमण जो अतिक्रमण किए गए थे, लेकिन उनके अतिक्रमण किया गया था उसके शासन प्रशासन के द्वारा में कोई नोटिस दिया गया था, कुछ न दिया गया था, लेकिन अचानक भयानक पूरे जिले भर के तहसीलदार और 80 से 85 पुलिस वाले, डिविजनल एसपी, अपर कलेक्टर, सब पूरे अधिकारी आके 4 बजे सुबह 4 बजे से आके उनको तोड़ फोड़ बुलडोजर चला गया। लेकिन अभी तक उनको न ठहरने की व्यवस्था किया गया, व्यवस्था के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया है, लेकिन खाने पीने की कोई उनका व्यवस्था नहीं किया गया। 9 तारीख को कुछ समय पहले शादी होना था उनके यहाँ, लेकिन शादी की सहनाई बदली थी, लेकिन सहनाई ऐसी है, लेकिन अब तो अचानक ढूंढने में लगे हुए हैं वो लोग। जी, लेकिन दिलीप, नोटिस भी दिया जा सकता था उनको, पहले चेतावनी दे देते कि कार्रवाई होने वाली है तो वह अपना जो घर है या परिवार के लोग हैं और कहीं शिफ्ट हो जाते। आनंद फानंद में कार्रवाई करने की कैसे नौबत आई? एसडीएम कार्यालय बगल में एसडीएम कार्यालय भी नया निर्मित भवन है, जहाँ उसके सब्जेक्ट सामने है, लेकिन उनको अभी तक नोटिस दिया गया था ऐसी, और मात्र तहसीलदार के द्वारा बोला कि अच्छा यहाँ खाली कर लो, यहाँ नया एसडीएम कार्यालय बना है तो आने जाने के लिए रास्ता बनेगा, लेकिन अभी तक उनको नोटिस दिया गया था, कुछ दिया गया था, लेकिन आनंद फानंद में आने के बाद उनको तक बुलडोजर सुबह सुबह 4 बजे उनको जगा के बुलडोजर चला दिया गया यहाँ पर। जी दिलीप, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ घर में शादी भी थी, शहनाइयां बजने वाली थी, और ऐसे में उनको वहां से आनंद फानंद में हटाना कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुसीबत भरा वक्त होगा। जी, अभी कुछ समय 9 तारीख की शादी थी, लड़की और लड़के दोनों की शादी थी, लेकिन अभी अब इस समय अब उसको हटा दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी शादी अब तो कुछ समय के लिए टालेंगे वो लोग, ना उनके पास दिलीप, है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं एसडीएम साहब हैं थॉमस जी, स्वागत है आपका। जी एसडीएम साहब, स्वागत है आपका। जी मैडम, आपसे ये जानना चाहूंगा कितने मकानों को जमींदोज किया गया, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? वो अतिक्रमण प्रकरण चल रहा था, तो उनको काफी दिनों से उनको अतिक्रमण हटाने की बताया गया था, समझाइश दी गई थी, समझाइश में तो तैयार भी हो गए थे, कुछ एक आध व्यक्ति समय मत चढ़ा रहे थे, होली तक भी समय दिया गया था, परंतु फिर तैयार होते स्वयं से जाने तैयार नहीं हुए, तो ये कार्रवाई करनी पड़ी। जी मैडम, लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि कोई नोटिस नहीं मिला उनको और आनंद फानंद में मकानों को तोड़ा गया है। परिवार में कई लड़कियों की शादियां भी हैं? नो, किसी की शादी नहीं, एक ही घर में बता रहे थे, नाती की शादी, वो भी उनके नाती की शादी है करके, तो हम लोग बोले हैं उनको टाउन हॉल में उनकी रहने खाने की व्यवस्था की गई है, तो टाउन हॉल में हम 9 तारीख को बोले, हम लोग टाउन हॉल में वो समूह को बोल दिए हैं कि उनके नाती की शादी में जो भी खाना पीना होगा हम लोग समूह को बना के देगा, टाउन हॉल में उनको दे देंगे। जी मैडम, लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कोई नोटिस नहीं दिया, तो क्या नोटिस देने का नियम नहीं है? दिया गया है, बताया था, नोटिस दिया गया है उनको, वो तो मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरियाबंद में पशु चिकित्सकों की